बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू दी लाहौर गैरिसन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू 10th जनरल साइंस क्लास। 10th जनरल साइंस बेटा चैप्टर नंबर है 9 हमारे पास, जिसका टाइटल है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें बेटा आज हमें टॉपिक डिस्कस करना है, उसके लिए पेज नंबर है आपके पास 144, पेज नंबर 144। और ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सिस्टम का, ठीक है। आज हमने इसको डिस्कस करना है, पेज नंबर 144। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन From one place to another place is called communication. तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई इसकी, कम्युनिकेशन की, जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो क्या डेफिनेशन है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस यूज्ड फॉर दिस एंड मेथड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इज नोन एज कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन के लिए बेटा जो यूज किया जाता है, मेथड यूज किया जाता है, या जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस आर यूज फॉर दिस पर्पस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मकसद के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है। एंड मेथड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन इज नोन एज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम, एंड मेथड यूज फॉर दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। इस मेथड को डेफिनेशन आ गई हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम की, कंप्लीट डेफिनेशन है ये कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और इस कम्युनिकेशन के लिए जो हम लाइक वेव्स यूज करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जो मेथड यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब बेटा देखो, हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो डेटा है ना वो आपकी साउंड की फॉर्म में भी हो सकता है, आपकी वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफिक्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो डिफरेंट डिवाइसेज हैं वो डिफरेंट सिग्नल्स को दूसरी फॉर्म में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। वो सारा जो है हम काफी डिटेल से डिस्कस करके आए हैं। अब चलते हैं बेसिक इसके कंपोनेंट्स की तरफ। जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बेटा बात करें तो कंपोनेंट्स में 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। सेंडिंग डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जिनके जरिए इंफॉर्मेशन एक जगह भेजी जाती है, रिसीविंग डिवाइसेस जो इंफॉर्मेशन को वसूल करती हैं, एंड कम्युनिकेशन लिंक और मीडियम, ठीक है। 3 बेसिक कंपोनेंट्स, सेंडिंग डिवाइसेस, ठीक है। सेंडिंग एक जगह दूसरे जगह भेजने के लिए कुछ ना कुछ लिंक यूज होगा, कनेक्टर यूज होगा, और कम्युनिकेशन लिंक और मीडियम, एंड थर्ड वन इज रिसीविंग डिवाइसेस, ठीक है। ये 3 डिवाइसेस हैं, ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं कि जो सबसे पहले सेंडिंग डिवाइसेस हैं ये क्या करती हैं। तो इंफॉर्मेशन सेंडिंग डिवाइस इज मोस्ट ऑफ द केसेस इज कंप्यूटर, मोस्टली
डिवाइस है इन मोस्ट केसेस, इन मोस्ट केसेस इट्स अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जरिए जो है ना हम इंफॉर्मेशन के जगह से दूसरे का क्या कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो इंफॉर्मेशन देता है ना, ये देता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, विच गिव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल। कंप्यूटर गिव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। फिर क्या होता है, दीज सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय अ मॉडम, ठीक है। अब बेटा देखो, जो डिजिटल सिग्नल है ना वो एक जगह से दूसरे तक नहीं भेजे जा सकते, तो फिर क्या करना पड़ता है, पहले इन डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उसको डिजिटल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए स्पेसिफिक डिवाइस यूज होती है जिसको हम कहते हैं मॉडम। क्या कहते हैं, मॉडम, ठीक है। मॉडम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर इनको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ठीक है। अब जो है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ मीडियम और लिंक इज रिक्वायर्ड। अब देखो, ये जो सिग्नल्स थे इनकी ट्रांसमिशन के लिए एक लिंक रिक्वायर्ड होता है, फॉर ट्रांसमिशन अ मीडियम और लिंक इज रिक्वायर्ड। देखो यहां से जो इंफॉर्मेशन है किसके थ्रू जानी है, किसी ने किसी लिंक के थ्रू जानी है, ठीक है। तो ऑन रिसीविंग एंड सिग्नल आर अगेन चेंज इनटू डिजिटल सिग्नल्स वन बिफोर अलाइंग देम टू एंटर इनटू द कंप्यूटर। देखो जो रिसीविंग डिवाइस होगी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करेगी, रिसीव करेगी और फौरन से उसे पहले कन्वर्ट करेगी किसमें, डिजिटल सिग्नल में। किसमें कन्वर्ट करेगी, डिजिटल सिग्नल में। क्यों, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल्स को समझता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को नहीं समझता। डिजिटल सिग्नल्स को समझेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगी और कन्वर्ट करने के बाद रिसीव करेगी और कंप्यूटर में एंटर हो जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर में ये इंफॉर्मेशन है सारी के सारी एंटर हो जाएगी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब बेटा देखो, सिंपली होता क्या है, ये हमारे पास कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल ये है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर ने कोई इंफॉर्मेशन दी है, कोई डाटा दिया है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। पहले क्या होगा, ये जो डिजिटल सिग्नल्स हैं एक मॉडम के जरिए, एक मॉडम के जरिए कन्वर्ट होंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये जो डिजिटल सिग्नल्स थे ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद दोबारा से जब किसी कंप्यूटर में इन्होंने जाना है तो यहाँ पे दोबारा से मॉडम लगा होगा, ठीक है। क्या लगा होगा, मॉडम, ठीक है। अब ये वाला जो मॉडम है ये उन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देगा किसमें, आपके पास डिजिटल सिग्नल में, ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स में। और फिर यही जो डिजिटल सिग्नल्स हैं ये दोबारा से किसी दूसरे कंप्यूटर में, रिसीविंग डिवाइस में क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन लिंक के लिए इन्होंने जो तीन डिफरेंट कैटेगरी में बेटा बुक में उसने बताई हैं, कॉमनली यूज लिंक्स आर ऑफ थ्री काइंड्स, ठीक है। अलग से आपसे पूछा जा सकता है कि जो लिंक्स हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं, उनकी जो कितनी टाइप्स हैं वो मोस्टली यहाँ पे आजकल यूज की जाती हैं, ठीक है। तो उसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो लिंक्स हैं, टाइप्स ऑफ लिंक्स, टाइप्स ऑफ मतलब वो कौन से लिंक्स हैं जिनके जरिए कंप्यूटर, वो कौन से तरीके हैं जिनके जरिए एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ क्या किया जाता है, लिंक किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो थ्री काइंड है बेसिकली बेटा हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखें, थ्री काइंड हैं या थ्री टाइप्स हैं। उनमें फर्स्ट वन जो है ना वो देखते हैं, फिर सेकंड वन एंड लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड वन। फर्स्ट वन इज ऑफ टेलीफोन वायर।
वायर विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज बूस्टेड पेयर। ठीक है, पहला क्या है, टेलीफोन वायर। टेलीफोन को इसको क्या कहते हैं, बूस्टेड पेयर। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है जी, सेकेंड वन इज द फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी। सेकेंड वन इज द फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या है, फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी में बेटा बहुत तेजी के साथ जो इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज मच फास्टर एंड थाउजेंड ऑफ सिग्नल कैन पास थ्रू अ फाइबर एट अ टाइम। मोर ओवर सिग्नल्स डू नॉट सफर लॉस ऑफ एनर्जी। थर्ड काइंड इज माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। जो बेटा तीसरा है आपके पास वो है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। अब देखो ये सिंपल था, ये उससे कॉम्प्लेक्स है, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स है। फाइबर ऑप्टिक्स में बेटा फाइबर के फॉर्म में जो फाइबर होते हैं छोटे छोटे, उन फाइबर्स में लाइट के थ्रू जो सिग्नल्स हैं वो बहुत दूर तक क्या किए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं विदाउट द लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपके बुक में सारी चीजें मेंशन की गई हैं जो आपने याद करनी है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में बेटा जो है हमने सारा देख के आए हैं कि किस तरह सेटेलाइट टीवी में या जो आपके पास डिफरेंट डिवाइसेज हैं उनके लिए जो सिग्नल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, सो कम्युनिकेशन का बेटा ओवरऑल इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। इसमें आपसे रिसीविंग डिवाइसेज, सेंडिंग डिवाइसेज, लिंक्स, टाइप ऑफ लिंक्स जो हमने डिफरेंट डिस्कस किए हैं वो आपसे अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था, इसको आपने चेक करके प्रिपेयर करना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है फिर फर्दर आगे इस टॉपिक के डिटेल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखें, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, अपनी हेल्थ पे फोकस